जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रैपचिक किस्म के सीख कबाब। स्टे विद मी एंड वॉच माय फुल वीडियो। चलिए आए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 1/2 kg बोनलेस चिकन, 1 inch ऑफ फूड कलर, 2 tablespoons ऑयल, 1 small bowl कोरिएंडर, 1 small bowl mint leaves and 2 squeezed onion, 4 green chili, 1 tablespoon ginger garlic paste और ये है aluminium sticks। All spices भी ऐड करने हैं आपने। अच्छा, यहाँ तक तो सब आसान लग रहा है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत ही आसान रेसिपी है। चलें अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले आपने अनियन ऐड करना है, इसके बाद आपने जो जो लवाजमात काट के रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर दें, जैसे कि धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट और जनाब, सब चीज़ें आपने जल्दी ऐड कर देनी है। उसके बाद जब आपने इसकी शेप बनानी है, इसके आपने कबाब बनाने हैं, तो वो थोड़ा सा आराम आराम से, प्यार प्यार से। अच्छा, इसके बाद हमने ग्रीन चिली ऐड की, इसमें फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और फिर हमने इन सबको मिक्स कर लिया। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है और अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। और जनाब, सीख कबाब की जो डिमांड है वो बहुत दूर दूर से आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आई थी, तो आपको बताते चलो, ये डिमांड आई थी मौसम से। वेदर बहुत औसम था तो मुझे लगा कि आज सीख कबाब बनाने चाहिए। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1 teaspoon नमक ऐड किया, 1 teaspoon सुर्ख मिर्च ऐड की और 1 teaspoon मैंने इसमें ऐड किया पिसा हुआ ज़ीरा, 1 teaspoon गरम मसाला और 1/2 teaspoon इसमें मैंने अजवाइन ऐड की। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया फूड कलर और 1 tablespoon ऑयल का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे कबाब की शेप दे देनी है। अच्छा, ये है होममेड स्टिक्स, एलुमिनियम की स्टिक्स हैं जो कि मैंने घर में ख़ुद बनाई है। इसको बनाया कैसे है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपने 5-6 वुडन स्टिक्स लेनी है, इसको आपने थ्रेड के साथ अच्छे तरीके से बांध लेना है और इसके बाद फिर आपने इसके ऊपर फॉइल पेपर चढ़ा देना है, इसे रैप कर देना है अच्छे तरीके से फॉइल पेपर के साथ। ये मैंने 2 बनाई हैं ताकि अगर एक मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं दूसरे की हेल्प ले लूँ। तो जनाब, इमरजेंसी आपको बना के रखनी चाहिए। अच्छा, ये देखें जी, ये छोटा सा पीस लिया फॉइल पेपर का और इसे मैंने इसमें रैप कर दिया, ये देखते जाएं आप। अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद नहीं आती ना तो काइंडली मुझे बता दिया करिए, सिंपल सी बात है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये इसकी फाइनल लुक है, ये देख लीजिए, और बहुत ही ईजी था इसे बनाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलिए अब इसको शेप देते हैं सीख कबाब की। कर्णी, मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें जहाँ कहीं आपको लगे कि नहीं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं लगी, ये चीज़ सही नहीं थी, इस तरह होनी चाहिए थी, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, मैं अपनी नेक्स्ट टाइम के लिए इसलाह करूँगी। अच्छा, सेकंड ये कि इसको बनाते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे यूँ लगा कि ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार से इसको ख़रीदा है, तो बिल्कुल एक्यूरेट शेप आ रही थी ना सीख कबाब जैसी और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही था। अच्छा, बनाते बनाते आपके हाथ से ये मटेरियल थोड़ा फिसलेगा, तो साथ साथ आपने अपने 2 fingers में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है, सॉफ्टली प्रेस करना है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा। तो आराम से बिल्कुल ढीले हाथों के साथ आपने इसको सीख कबाब की शेप दे देनी है इक्वल करके। अच्छा गाइज, आपका फीडबैक जो होता है वो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है, तो काइंडली दिया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आऊँ और मज़ीद एफ़र्ट करूँ। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि कल यहाँ हुई बारिश और फिर मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं सीख कबाब बनाऊँ। यूँ तो अमूमन कहा जाता है ना, बारिश हो तो यार चलो यार पकौड़े बनाते हैं, क्या ही मौसम है, औसम मौसम, लेकिन नहीं यार, हटो पकौड़ों से, छोड़ो पकौड़ों की जान, कुछ और थोड़ा चेंज लेके आओ लाइफ में। ये देखें जी, ये सीख कबाब की शेप देख लें आप और ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको बाज़ार से परचेज़ किया है। फिर जनाब, धीरे धीरे मैंने सारे ही कबाब बना डाले और इसको मैंने डिश आउट किया, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा। अच्छा तो गाइज, इसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी
और फिर आपको दिखाऊंगी और आप देख के मुझे बताइएगा कि आया ये सीख कबाब ही है या कुछ और है। कोई भी काम करना हो ना गाइस, दिल लगा के करना चाहिए। जल्दी भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है और पसंद भी आता है। तो ये देखिए, मैं आपको इस बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुझे पता है आसानी से हमारे जो दिमाग है ना, मोटे दिमाग, इनको आसानी से समझ में नहीं आती कोई बात। लेकिन आपको पता है साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि हम अपने ब्रेन का 1% भी नहीं यूज़ करते। अगर हम यूज़ करें ना, तो यकीन करें आइंस्टाइन से आगे निकल जाए। जी ये देखिए, ये सीख कबाब मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अभी इन्हें मैं फ्राई करूँगी। तो बने तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी मैंने आपको एक प्लेट ही दिखाई है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। साथ ही जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए हल्की फ्लेम पे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, ओह माय गॉड, बाबा जी को तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा आपको कैसे लग रहे हैं लुक वाइज? अच्छे लग रहे हैं। साथ ही इसको मैंने कोयले की थोड़ी सी भाप दी है ताकि यूँ लगे जैसे सीखों पे ही बने हैं। हालांकि बनने तो शॉर्टकट तरीके से हैं, लेकिन खाने का टेस्ट सेम वैसे ही था। अब थोड़ा सा ना लाइफ को आसान करें, मुश्किलों में ना जाया करें। ये देखें, इसको मैंने डिश आउट किया और फिर हमने वेदर को खूब इंजॉय किया, साथ साथ वेदर इंजॉय किया, साथ साथ हमने कबाब खाए। आप भी इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करें, मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें और बेल आइकन पे लाजमन क्लिक करें। आप मेरे किचन में आए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को प्रमोट करें। फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।